Alright, so Raja Nand Kumar case, done. PATNA case, done. What about KUMAR case? Yeah, it's also done. We are done with all the three cases, so now what's left? Alright, so hi everyone, welcome you all on the channel of Law Vita. Here, this is Aradhya Gupta. Okay, so today we are not going to discuss the topic of Muslim law. Let's have a change. Today we are going to discuss one topic of legal history, a very important case. As we are already done with all the three cases, and one most important case is left, and I received many requests for the same. Can you guess what? Okay, so here's a surprise. It is Kamaluddin case 1775, the most awaited video, the most awaited lesson. So let's see what's the whole case, what's the background story, what's the fact, and what's the conclusion. So let's get started. Okay, Kamaluddin case 1775. This case is of historical importance as it reflects a vital question relating to the jurisdiction of Supreme Court over the acts of company's servant working in the capacity of the collectors of revenue. तो ये जो हमारा कमलुद्दीन केस है ये बेसिकली किसके बारे में बात करता है या क्या ये डिपिक्ट करता है. तो ये जो केस है एक बहुत हैवी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस कैरी करता है अपने ऊपर एज इट रिफ्लेक्ट्स अ वाइटल क्वेश्चन. इट रिफ्लेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटिंग टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो डीलिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो किस तरीके से है अपॉन द वर्किंग ऑफ द कंपनी सर्वेंट. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 पढ़ा है, तो उस कंपनी के जो सर्वेंट्स की जो भी एक्ट्स होते हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कैसा होता है. ठीक है, व्हेन द कंपनी सर्वेंट्स वर्क इन द कैपेसिटी ऑफ द कलेक्टर्स ऑफ रिवेन्यू. ठीक है, हमने पहले भी काफ़ी सारी लीगल हिस्ट्री की वीडियोज में पढ़ा है कलेक्टर ऑफ रिवेन्यू, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू अगेन अबाउट द कलेक्टर्स ऑफ रिवेन्यू. सो कलेक्टर्स ऑफ रेवेन्यू की कैपेसिटी के अंदर जब कंपनी के सर्वेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स वर्क करते हैं, ठीक है, या अपनी जो भी डीलिंग्स या एक्ट्स परफॉर्म करते हैं, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है ये केस. इसके साथ साथ दिस केस इज ऑफ अ काइंड ऑफ आई ओपनर फॉर डिस्क्लोजिंग द डिफेक्टिव प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ड्यू टू विच द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, इस केस में बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, एक कन्फ्लिक्ट जो अराइज हुआ था बिटवीन द सुप्रीम काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, और बेसिकली ये जो केस है ना, ये एक तरीके से हमको क्या दिखाता है, जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है, जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ है हमारे इंडिया के अंदर, उसके जितने भी डिफेक्टिव प्रोविजंस हैं उसको डिस्क्लोज करता है, उसको हमें दर्शाता है, जिसकी वजह से सुप्रीम काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हुए. अब कन्फ्लिक्ट कैसे अराइज हुए, क्या केस था एक्चुअली, वो हम अब पढ़ेंगे. अभी क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज व्हेन डिड द रेगुलेटिंग एक्ट पास. ठीक है, यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे बताइए कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंट्रोडक्शन, नाउ वी जस्ट मूव टुवर्ड्स द बैकग्राउंड एंड फैक्ट्स. ऑलराइट, सो बैकग्राउंड ऑफ द केस. कमलुद्दीन केस डिस्प्लेस द फर्स्ट ओपन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुप्रीम काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड्स टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट. ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग इश्यूज से रिलेटेड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट हुए हैं वो ये केस डिस्प्ले करता है, वो ये केस दिखाता है. ठीक है, मोर प्रिसाइजली, ठीक है, अब हमने यहाँ पे बात किया रिलेटेड टू जुरिस्डिक्शन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स. सो अगर हम इस सब्जेक्ट में मोर प्रिसाइज वे में देखें तो इट डिनोट्स ओवर द कोर्ट्स कंट्रोल ऑफ द दीवानी राइट्स. जो भी दीवानी, सदर दीवानी राइट्स थे, ठीक है, उसके ऊपर क्या कंट्रोल था कोर्ट का, उसकी वजह से जो भी कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ वो सब डिपिक्ट करता है ये केस. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस केस का फैक्ट क्या है, एक्चुअली ये केस क्या है. सो कमलुद्दीन वाज अ होल्डर ऑफ सॉल्ट फार्म इन हुगली विच फॉल्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर इन बंगाल. ठीक है, तो कमलुद्दीन जो था वो बेसिकली एक सॉल्ट फार्म का होल्डर था, वो उसका ओनर नहीं था, वो होल्डर था. ठीक है, किसी की प्लेस पे वो उसको देखभाल कर रहा था या उस पर काम कर रहा था, जो कि कहाँ पे है, हुगली. हुगली एक जगह है, डोंट मिसकन्फ्यूज विद हुगली रिवर. ठीक है, यही हुगली एक जगह है जो कि मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के नियर अराउंड है इन बंगाल, राइट. एंड ही वॉज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ कांत बाबू. कांत बाबू जो थे उनके बिहाफ पर कमलुद्दीन होल्डर की तरह वर्क कर रहा था सॉल्ट फार्म में. एंड कांत बाबू कौन थे, ही वॉज अ रियल फार्मर, वो रियल फार्मर थे वो सॉल्ट फार्म के, राइट. नाउ ये पता चल गया कि कमलुद्दीन कौन था.
So here Kamaluddin was in arrears of rent in 1775, to which the Revenue Council of Calcutta issued an order. ठीक है, अभी ये जो कमलुद्दीन काम कर रहा था ये arrears of rent पे था. Arrears क्या होते हैं basically, कि अगर हमारा कोई भी for example ये land थी, ठीक है, land का हमको rent due था, तो जो due amount होता है अभी तक pay नहीं किया है, तो उस पे था, उस पे काम कर रहा था. ठीक है, तो उसके ऊपर क्या किया, जो रेवेन्यू काउंसिल थी कैलकटा की, उसने एक ऑर्डर पास कराया. ऑर्डर पास किसके, किस कंटेक्स्ट में, कि कमलुद्दीन को जेल में बंद कराने के लिए. ठीक है, एंड वो भी विदाउट बेल. सो व्हाट हैपेंड हियर दैट ड्यू टू द अरियर्स ऑफ रेंट इन 1775 द रेवेन्यू काउंसिल ऑफ कैलकटा इशूड एन ऑर्डर फॉर द कमिटल टू प्रिजन विदाउट बेल फॉर द कमलुद्दीन. राइट, सो ऑन दिस ही ऑब्टेन्ड अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस. अभी जैसे रिट्स आपने पढ़ी होंगी आर्टिकल 32, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 226. राइट, तो यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जैसे उसका उसको विदाउट बेल उसको इम्प्रिजन कर लिया गया था बाय रेवेन्यू काउंसिल, तो उसमें कमलुद्दीन ने अपनी रिट पास करवाई. रिट कौन सी, हेबियस कॉर्पस की रिट. ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज what is habeas corpus, what is the writ of habeas corpus, or what does it gives the right to the citizens of the country. theek hai, so he obtained a writ of habeas corpus from supreme court with the court giving certain reasons. theek hai, kamaluddin ko yahan pe habeas corpus ki writ mil gayi thi, issue ho gayi thi supreme court se. supreme court ne writ issue karne ke sath sath kya reason diya tha, ki in cases of disputed accounts the defendant should be provided bail till the inquiry regarding his obligation to pay was completed and he is held liable. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सिग्निफाई किया कि जितने भी डिस्प्यूटेड अकाउंट्स होते हैं, जितने भी डिस्प्यूटेड केसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे अरियर्स वगैरह का, तो उसमें जो डिफेंडेंट है उसको बेल पर छोड़ देना चाहिए. ठीक है, उसको बेल प्रोवाइड कर देनी चाहिए जब तक उसकी पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती है. ठीक है, और पता नहीं चल, ये नहीं अब तक पता चलता कि उसके ऑब्लिगेशन थे पे करने के. ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो जाती सारी इंक्वायरी, और अब तक ये नहीं पता चलता कि वो लायबल है या नहीं है, तो तब तक उसको ऑन बेल रिलीव कर देना चाहिए. ठीक है, सो अगेन वी जस्ट रीड इट आउट. इन केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड अकाउंट्स द डिफेंडेंट शुड बी प्रोवाइडेड बेल, उसको बेल मिलना चाहिए टिल द इंक्वायरी रिगार्डिंग हिज ऑब्लिगेशन टू पे वॉज कंप्लीटेड, एंड अलॉन्ग विद दिस टिल देन ही इज हेल्ड लायबल. ठीक है, इस रीजन के अलॉन्ग विद द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड द राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस टू द कमलुद्दीन. ओके, बट द सुप्रीम काउंसिल डिड नॉट लिसन टू द कोर्ट. ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम काउंसिल जो थी उसने सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी. ठीक है, इंस्टेड द सुप्रीम काउंसिल रिगार्डेड दैट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर इज द इंक्रोचमेंट टू द कंपनीज दीवानी राइट्स. उस सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानी ही नहीं, इसके साथ साथ ये और उन्होंने रिगार्ड किया ये और बोला कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ये एक तरीके से इंक्रोचमेंट है, ये एक तरीके से डिसरिगार्ड पे कर रहा है टू द कंपनीज दीवानी राइट्स. ये बोला सुप्रीम काउंसिल ने. इट सेड दैट, अभी क्या बोला सुप्रीम काउंसिल ने, दैट द कोर्ट हैज़ नो राइट टू इंटरफेयर एज देयर वॉज नो स्पेसिफिक प्रोविजन द रेगुलेटिंग एक्ट विच अलाउड द कोर्ट टू डू सो. उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को एज अपना टूल बना के बोला कि कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है कि वो इंटरफेयर करे. क्या नाम है, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं बना है रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट की कि वो अपना इंटरवेंशन लाए या कोई भी ऑर्डर पास करे या कुछ भी एज सच रिट इशू कर सके रेवेन्यू मैटर्स में. ठीक है, ये सुप्रीम काउंसिल ने बोला कि एज रेगुलेटिंग एक्ट हैज नो स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग द रोल ऑफ कोर्ट, दस कोर्ट हैज नो राइट टू इंटरवीन विद इन. ओके, ये कोर्ट किया सुप्रीम काउंसिल ने. नाउ फर्दर इट सेड दैट दिस राइट वॉज सोली विद द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल एंड हेंस इट इज अ ब्रीच ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सीडेड ज्यूरिसडिक्शन अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम काउंसिल. इसके साथ साथ सुप्रीम काउंसिल ने ये बोला कि ये जो राइट है इंटरवेंशन का, ये कोई भी स्टेप अहेड करने का, वो सिर्फ और सिर्फ सोली जनरल गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास है. ठीक है, और जो सुप्रीम काउंसिल के हेड होते हैं उनके पास है. और जैसा कि यहाँ पे कोर्ट ने इंटरवीन किया है, दस इट डिड अ ब्रीच ऑफ लॉ, उसने ब्रीच ऑफ लॉ किया है ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करते हुए, ये कहा सुप्रीम काउंसिल ने. राइट, द थ्री मेंबर्स आउट ऑफ फोर फ्रॉम द काउंसिल वोटेड टुवर्ड्स नॉट ओबेइंग टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट.
तो सुप्रीम काउंसिल में चार मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें से तीन मेंबर्स यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स व्हाट सेड दे सेड और दे वोटेड टुवर्ड्स नॉट ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, उसको डिसओबे किया. बट द सजेशन ऑफ द मेजॉरिटी कुड नॉट पुट इन टू प्रैक्टिस बिकॉज ऑल्दो यहाँ पे मेजॉरिटी फेवरिज्म था कि हम सुप्रीम कोर्ट को के ऑर्डर को नहीं फॉलो करेंगे, फिर भी उनका ये सजेशन या उनका ये वोट प्रैक्टिस में नहीं लाया गया. क्यों? क्योंकि द गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग रिफ्यूज्ड टू सपोर्ट द प्रपोज्ड स्टेप्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ही डिडंट वॉन्ट टू फेवर द डेफियंस ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर, द फर्स्ट रीजन, एंड या और मोर लाइकली हिज क्लोज फ्रेंड जस्टिस एलिजाबेथ ऑर्डर. ठीक है, इसमें नहीं क्या नाम है मेजॉरिटी का जो सजेशन था या वोट था वो केम इन टू द लेन नहीं लिया गया क्योंकि जो गवर्नर जनरल थे हमारे वॉरन हेस्टिंग, उन्होंने उस चीज़ को रिफ्यूज़ करा, उसको सपोर्ट नहीं किया. ये बोला कि आई लाइक ही डिडेंट वॉन्ट टू फेवर द यू नो डिसरिगार्ड, ही डिडेंट वॉन्ट टू डिसओबे द कोर्ट्स ऑर्डर. या हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस थे जस्टिस एलिजा एम्पे, वो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे एंड दैट इज़ वॉट द रीज़न ही डिडेंट वॉन्ट टू डिसरिगार्ड द यू नो decision of his close friend's order. We can say this. ठीक है, तो अभी तक क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिट इशू करा हेबियस कॉर्पस का और रीजन के साथ, लेकिन सुप्रीम काउंसिल ने उसको नहीं फॉलो करा, उसको डिसएग्री किया अपने सर्टेन रीजंस के साथ एंड उन्होंने फर्दर एक वोट क्या नाम है रिलीज किया जिसमें आउट ऑफ फोर थ्री पीपल वर इन फेवर कि दे विल नॉट ओबे द कोर्ट्स ऑर्डर. बट लेकिन जो गवर्नर जनरल थे वॉरन हेस्टिंग, उन्होंने उसको फेवर नहीं किया एंड इसीलिए उनका जो सजेशन था मेजॉरिटी का वो नहीं आ पाया फेम में. ठीक है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे, वो वॉरन हेस्टिंग के बहुत क्लोज फ्रेंड थे. एक ये भी रीज़न हो सकता है जिसलिए उन्होंने उनके ऑर्डर को डिसरिगार्ड नहीं किया, या दूसरा वो कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे या डिसरिगार्ड डेफिएंट नहीं करना चाहते थे. क्लियर. नाउ सम टाइम लेटर इट वॉज सीन दैट कमलुद्दीन वॉज अरेस्टेड अगेन. ठीक है, कुछ दिनों बाद फिर से कमलुद्दीन अरेस्ट किया गया. पहले तो वो रीजन दिया, उसके बाद छोड़ दिया था उसको, लेकिन अब फिर से अरेस्ट किया. टू विच ही अगेन अक्वायर्ड द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, कि उसको अब वही सिलसिला वापस चालू हो गया कि कमलुद्दीन को फिर से अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन कमलुद्दीन ने फिर से हैबियस कॉर्पस के लिए क्या नाम है अपील की सुप्रीम कोर्ट में और उसको फिर से हैबियस कॉर्पस इशू कर दी गई एंड फाइनली वॉज डिस्चार्ज बाय कोर्ट और उसको अब फाइनली कोर्ट से डिस्चार्ज कर दिया गया था. ठीक है, नाउ हेयर चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे इन अ लेटर टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जस्टिफाइड द कोर्ट्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टू ग्राउंड्स. अभी यहाँ पर यू नो सर एलिजा एम्पे कम इन द फ्रंट एंड वो एक लेटर लिखते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कि मैं ये एक्शन क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ये हैबियस कॉर्पस क्यों इशू कर रहा हूँ, या वॉट इज अ सर्टेन रीजन्स बिहाइंड दिस ऑर्डर. ठीक है, तो उसके पीछे उन्होंने दो रीजन्स दिए, दो ग्राउंड्स दिए. पहला, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूजुअल प्रैक्टिस. ही कोटेड कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं डीलिंग कर रहा हूँ, ये यूजुअल प्रैक्टिस का पार्ट है. एंड सेकेंड, देर इज रिफ्यूजल ऑफ बींग अक्यूज ऑफ अज्यूमिंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर रेवेन्यू केसेज एज सच. रिफ्यूजल ऑफ बींग अक्यूज ऑफ अज्यूमिंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर रेवेन्यू केसेज एज सच. सर एलिजा एम्पे ने इस बात को खारिज किया, इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो कि रेवेन्यू डीलिंग्स के साथ क्या नाम है ओवर राइड कर रहा है. ठीक है, दे आर नॉट इंटरवीनिंग विद द रेवेन्यू केसेज. क्लियर. इम्पे फर्दर जस्टिफाइड दैट द कोर्ट डिड नॉट इंटरफेयर विद द ऑर्डरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू बट द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वॉज अ डिफरेंट मैटर. यहाँ पे इम्पे ने इसके साथ साथ एक चीज़ और कही कि कोर्ट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, कोई इंटरवेंशन नहीं कर रही है रेवेन्यू के ऑर्डरिंग और मैनेजमेंट प्रोसीजर में, क्योंकि उन जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो डीलिंग होती है, रेवेन्यू कलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अलग है. ठीक है, वो एक अलग मैटर है और जो इस केस के अंदर पर्टिकुलर चीज़ है अरियर्स ऑफ रेंट का कॉन्सेप्ट है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग केस है जो कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है. इसलिए कोर्ट रेवेन्यू के ऑर्डरिंग और मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर रही. ठीक है, हेयर सर एलिजा एम्पे फर्दर असर्टेड दैट द कोर्ट वुड बी गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इफ इट डिसअप्रूव्ड और डिनाइड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वॉयलेंस एंड ऑपरेशन यूज्ड इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू.
ठीक है सर. एलिजा एमपी ने फर्दर क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो कोर्ट है वो गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगी या ब्रीच ऑफ लॉ होगी तब होगी जब कोर्ट जो है वो किसी भी जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के मैटर्स में ऑपरेशन ऑफ वॉयलेंस को कग्निजेंस में नहीं ले रहा है या उसको उसके ऊपर सर्टेन स्टेप्स उठाने से मना कर रहा है, डिसअप्रूव कर रहा है, तब वो गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लाइबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पे सर एलिजा एम पे सामने आए, उन्होंने पूरी बात रखी कि कैसे कैसे क्या है, हम इंटरवेंशन नहीं है, हम गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए भी नहीं है. ठीक है, ये होल प्रोसीजर हो गया. ठीक है, और लास्ट में वही था कि कमलुद्दीन को फाइनली डिस्चार्ज कर दिया गया था बाय द कोर्ट. नाउ हेयर द कंक्लूजन इज दिस केस बीइंग बैक्ड बाय अ फ्यू अदर सर्कमस्टांसेस क्रिएटेड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल विच लेटर ऑन मैनिफेस्टेड अप एज मोर वायलेंट अलॉन्ग विद ब्रिंगिंग आउट इनसाइड वर्क ऑफ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एलिजा एमपे. कंक्लूजन यही है कि लेटर ऑन जब और आगे सिलसिला बढ़ा या व्हाटएवर सर्टेन things more happened, ठीक है, certain disastrous things more happened and उससे क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल का जो differences थे वो और create हो गए, उनके opinions में differences और wider हो गए. ठीक है, और इसके साथ साथ वही होता है ना कि जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा negativities आ जाती हैं तो उसमें और उसकी छोटी छोटी चीज़ों को भी वो उभार के लेके आते हैं. तो वही इसमें हुआ था कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग और एलिजा एमपे के इनसाइड वर्क को भी वो लोग ब्रिंग आउट कर ला रहे थे. ठीक है, इस ये जो डिफरेंसेस थे वो, तो यही है पूरा कमलुद्दीन केस. बेसिक फंडा सिंपल ये है कि आपको याद रखना है कि इसमें क्या था, इसमें डिफरेंसेस के बारे में बात की है कि क्या उनके सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस क्या है. ठीक है, छोटा सा ही इसका स्टोरी है. कमलुद्दीन क्या था, ही वाज अ होल्डर ऑफ अ सॉल्ट फार्म, ही वाज फ्रॉम हुगली, और किसके बिहाफ पर कर रहा था, जो कि रियल फार्मर था, कानपा. ठीक है, फिर कैसे पहले उसका इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर पास होता है, फिर उसको डिसअप्रूव करा के उसको रिट मिल जाती है, फिर वो ऑर्डर पास होता है, फिर उसे अरेस्ट करते हैं और फिर वो डिस्चार्ज होता है. पूरी स्टोरी बहुत सिंपल सी है, आप वीडियो देखिए, समझिए. कोई डाउट है यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है, आई एम देयर. एंड या इफ यू रियली लाइक द वीडियो डू प्लीज़ क्लिक ऑन द थम्स अप बटन और डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, विद योर क्लासमेट्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ द सेम. So do subscribe the channel, do also click on the bell icon so that you can receive the latest notifications of our videos. This is it. Thank you so much. Take care. Be healthy. Keep studying. Bye-bye.